बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, आलू, मोटे अनाज, तिल और चने की। इसके अलावा भी कई और जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं के भाव में सुस्ती का रुख, जयपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुए सौदे। और सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल रबी गेहूं की उपज 1,127 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में 26 दिसंबर को गेहूं के सौदों में सुस्ती रही। गेहूं के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंगलवार को गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाली राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में सुस्ती रही। जयपुर और आसनसोल मंडी में नरमी रही, जबकि जहानाबाद मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में 25 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2,456 रुपए। 26 दिसंबर को इसके भाव में 8 रुपए की नरमी आई और भाव 2,448 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की जहानाबाद मंडी में बीते दो दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 25 और 26 दिसंबर को गेहूं 2,160 रुपए पर बिका। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 25 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2,400 रुपए, जो कि 26 दिसंबर को 50 रुपए टूटकर 2,350 रुपए पर आ गया। गुजरात की जंबुसर मंडी में 26 दिसंबर को गेहूं का कारोबार 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.1 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। और गेहूं पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, वो कि हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम गेहूं के बारे में जानना चाहेंगे, आगे बाजार को लेकर, गेहूं के बाजार को लेकर किस तरह की संभावना नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आई, वे कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि गेहूँ के बाजार में पिछले साल काफ़ी ज़्यादा हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले। कई बार बाजार जो है निचले स्तरों पर भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सरकारी केंद्रों पर लगातार खरीद के कारण और गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी के कारण लगातार बाजारों के अंदर भावों को सपोर्ट मिलता रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन भी जो है रिकॉर्ड स्तर पर होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू मांग में भी लगभग 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्थिति क्या है, आगे किसानों को क्या फैसला लेना चाहिए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरह की योजना उनके लिए बेहतर रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है, जो 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी
चलिए तो बात हुई गेहूं की, फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें, नजर सुर्खियों पर। कहीं स्थिर तो कहीं टूटे आलू के भाव, फिरोजाबाद मंडी में 665 रुपए पर हुई खरीद। और अकोला मंडी में 15,375 रुपए रहा तिल का भाव, मुरैना मंडी में 13,800 रुपए पर हुए कारोबार। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को कुछ मंडियों में आलू के सौदे गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान आलू के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आलू के बाजार पर आई देखते रिपोर्ट। बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में आलू के भाव स्थिर रहे। 25 दिसंबर को आलू का भाव रहा 1300 रुपये, 26 दिसंबर को भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1300 रुपये पर टिका रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 25 और 26 दिसंबर को आलू के सौदे 550 रुपये पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू के भाव में नरमी रही। यहां 26 दिसंबर को आलू का भाव 200 रुपये टूटकर 1300 रुपये से 1100 रुपये पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में 25 दिसंबर को आलू का भाव रहा 675 रुपये, जो 26 दिसंबर को 10 रुपये गिरकर 665 रुपये पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.47 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं आलू पर। साहिल जी, आलू के भाव आगे किस दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसकी मुख्य वजह घरेलू स्तर पर मांग में कमजोरी आना है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि बाजार के अंदर नई फसल आने के बाद भी हमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई दिया है। ओवरऑल अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता जो है इस वर्ष अच्छी होते हुए नजर आ रही है। आगे फेस्टिवल सीजन में भी घरेलू मांग में थोड़ा बहुत इजाफा होने की उम्मीद और जताई जा रही है। जी, तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है 20 से 40 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी, और अगर आगे बाजार में मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 70 से 100 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो बिल्कुल जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी और हो सकती है, तो इसका लाभ हमारे किसान जरूर उठाएं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं सेब के भाव पर। देश की विभिन्न मंडियों में सेब के भाव कैसे दर्ज किए गए, शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 10,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 8,000 रुपए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 650 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि, हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत, आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल, किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन, जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के सिलसिले में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले नज़र ज्वार पर। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 26 दिसंबर को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपये, तमिलनाडु की तेनी मंडी में भाव रहा 4,060 रुपये। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार की बात करें तो इसमें कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। और आइए बात करते हैं मक्का की, और मक्का के भाव पर नजर डालते हैं। शुरुआत गुजरात की जम्बूसर मंडी से, जहां पर मक्का का भाव रहा 1,900 रुपये। तमिलनाडु की तेनी मंडी की बात करें तो यहां भाव दर्ज किया गया 2,500 रुपये। मध्य प्रदेश के गोटे गांव मंडी में भाव रहा 1,975 रुपये, और महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 2,550 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बाजरा की बात कर लेते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है, यानी इसकी आवक न ज्यादा है न कम है, सामान्य रूप से देखी जा रही है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,400 रुपये, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,108 रुपये क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बबराला मंडी की बात करें तो यहां पर बाजरे की खरीद 2,140 रुपये पर हुई। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। और आइए साहिल गोयल जी से एक बार फिर बात करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, क्या अनुमान लग रहा है, आगे स्थिति क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजरे के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। अगर हम पिछले साल से तुलना करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 10% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 10-12% तक का सुधार देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव बाजरे के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। जी, तो जैसे कि बाजरे के बारे में आप बता रहे हैं कि MSP का भी प्रभाव रहेगा, किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 150-200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फरवरी मार्च तक में ये तेजी बढ़कर जो है 250-300 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये तेजी 250-300 रुपए क्विंटल और आगे जा सकती है, जिसका फायदा हमारे किसान अवश्य उठाएं। आप बने रहे साहिल जी हमारे साथ, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे तिल का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में बात करते हैं लहसुन की। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 26,000 रुपये। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 5,699 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 20,000 रुपये और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 18,000 रुपये। और आइए अब बात करते हैं पपीता की। देखते हैं पपीता के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर मंडी की बात करें तो यहां पर पपीते का भाव रहा 3,250 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपये। उत्तर प्रदेश की कितरपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,850 रुपये। और आइए अब बात करते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक इस बार सामान्य बनी हुई है। वहीं भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को महाराष्ट्र की अकोला मंडी में तिल का भाव रहा 15,375 रुपये। मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी में तिल का भाव रहा 13,800 रुपये। और इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं बाजार के जानकार। साहिल जी, अभी हमने तिल की उपज की बात की, किस बार किस तरह की स्थिति रहेगी, भाव पर इसका कैसा प्रभाव रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तिल के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम घरेलू मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले ये 5% तक सुधरती हुई दिखाई दे रही है। निर्यात मांग के अंदर भी हमें आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव तिल के भाव पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में तिल में तेजी जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल, आप जैसे बता रहे हैं कि आने वाले समय में तिल में तेजी जारी रहेगी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए ताकि इस तिल में तेजी का वो लाभ ले सके? बिल्कुल किसान भाई बहन, तिल के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो आगे इस तेजी का और लाभ ले सकते हैं किसान, जैसे कि हमें साहिल गोयल जी बता रहे हैं कि तेजी किस स्तर तक जा सकती है। फिलहाल अब आखिर में बात करते हैं चने की। देखते हैं चने की स्थिति क्या रही। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को चने की आवक रही सामान्य। इसके भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक 26 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर मंडी में चने का कारोबार रहा 5,261 रुपए पर। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में चने की खरीद पर अगर हम नजर डालें तो ये दर्ज की गई 7,100 रुपए पर, यानी 7,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर इसकी खरीद हुई। वहीं अगर हम चने की पैदावार पर नजर डालें तो पता चलता है कि घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में इस बार बीते साल के मुकाबले कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल की 273,02,000 थी। तो चने पर हमने भी बात की और बताया आपको कि इस बार दलहन की उपज को लेकर किस तरह के संकेत हैं। अगर हम कुल दलहन की बात करें तो काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं और पिछले साल से बेहतर इस बार उपज का अनुमान है। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, चने को लेकर क्या अनुमान लग रहा है? चने के भाव नरम होंगे या फिर तेज़ होंगे? बाज़ार के जो तमाम फैक्टर्स हैं, डायनेमिक्स हैं, वो किस तरह से इसके भाव पर असर डालेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो चने के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। सबसे पहले अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ये अच्छी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इसकी मुख्य वजह अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल जो है इस वर्ष देखने को मिली है। घरेलू मांग में भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5-7% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग के अंदर भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10% तक का सुधार होता हुआ दिखाई दिया है।
फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग में लगभग 3 से 5% तक और सुधार की गुंजाइश लग रही है। बिल्कुल। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव चने के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आने वाले समय में भी चने में तेजी रहेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं तमाम फैक्टर्स का प्रभाव चने के भाव में देखने को मिलेगा और आने वाले समय में तेजी भी रहेगी। तो साहिल जी, ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी उपज को मंडी में बेचे, लंबी अवधि को देखते हुए या छोटी अवधि को देखते हुए, ताकि भाव का जो तेजी है उसका लाभ हमारे किसान तक सीधे पहुँच सके। बिल्कुल किसान भाई बहन, चने में तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। जी जी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी बिल्कुल, तो तेजी का लाभ किस तरीके से ले सकते हैं और बताया भी अभी साहिल जी ने कि कब कब कितनी तेजी हो सकती है, तो उसी के अनुसार ही किसान मंडियों का रुख करें और जब उन्हें अच्छे भाव मिले तभी मंडियों में चने को बेचें। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आशा करते हैं कि आपसे आपकी सलाह से हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। और आइए अब बढ़ते आगे, गाजर की बात करते हैं। गाजर के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे, गुजरात की मनसा मंडी से हम शुरुआत करते हैं जहां पर गाजर का भाव रहा 2,200 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 142 रुपए। और आइए बात करते हैं गोभी की। गुजरात की मनसा मंडी में गोभी का भाव रहा 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 160 रुपए। सही भाव आपको बता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप मंडी खबर यानी हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, यानी डीडी किसान की यूट्यूब चैनल पर भी आप मंडी खबर देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और मंडी खबर देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, जहाँ पर आप मंडी खबर के अलावा डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। डीडी किसान चैनल ये हमारा यूट्यूब आईडी है, या फिर इस QR कोड को अभी स्कैन करें और हमारे चैनल से सीधा जुड़ें। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।